ये देखिए फ्रेंड्स, हरे धनिया के हरे हरे बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं और पराठों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पराठे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। नमस्कार दोस्तों, रेखा सीरा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम हरे धनिया के पराठे बनाएंगे। हरे धनिया के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हरे धनिया के पराठे बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मैंने हरा धनिया लिया है। इसको मैंने अच्छे से साफ करके और धो के ले लिया है। अब इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब हम हरे धनिया को बारीक बारीक काट लेते हैं। पराठे बनाने के लिए हरे धनिया को मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। पराठा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी आटा ले लिया है। अब आटे के अंदर मैं एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी। पराठे के अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने आधा चम्मच अजवाइन लिया है, उसको डाल देते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, इसे डाल देते हैं। एक चम्मच नमक है। एक चम्मच मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया है, उसको डाल देते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच सौंफ, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसको भी हम डाल देते हैं। अब ये जो हमने हरा धनिया बारीक बारीक कट करके रख लिया था, उसको डाल देते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटा लगाएंगे। आटे में एक साथ पानी नहीं डालेंगे, एक साथ पानी डालने से हमारा आटा गीला हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाएंगे। पराठे के लिए आटा लगकर तैयार है। अब आटे को थोड़ा ऑयल लेके और चिकना कर लेते हैं। आटा हमारा अच्छे से चिकना हो गया है। पराठा बनाने के लिए मैं लोई ले लेती हूँ। पराठे के लिए लोई आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी ले सकते हो। अब इसको गोल कर लेते हैं, आटे में लपेट लेते हैं। अब पराठे को बेल लेते हैं। धनिया के पराठे को आप कोई सा भी शेप दे सकते हो, लेकिन मैं इसको गोल शेप में बेलूंगी। पराठा बिलकर तैयार है। अब पराठे को सेकने के लिए तवे पे रख देते हैं। वह मैंने पहले से गरम कर लिया है, तवा मेरा मीडियम गरम है। अब मैं पराठे को डाल देती हूँ। पराठे को आप पलट देते हैं। पराठा हमारा सिक गया है। अब दूसरी ओर से पराठे को पलट के सेक लेते हैं। पराठे के ऊपर मैं रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ। अब पराठे को पलट के और दूसरी ओर भी रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ। अब पराठे को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगी दोनों तरफ से। हमारा दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन सिक गया है। अब हम पराठे को प्लेट में निकाल देते हैं। ये मैंने दूसरा पराठा बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसको तवे पे सेकेंगे। हमारा पराठा एक ओर से सिक गया है। अब इसको दूसरी ओर पलट देते हैं। हमारा पराठा दोनों ओर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन सिक के तैयार हो गया है। अब मैं पराठे को प्लेट में निकाल देती हूँ। अब पराठे के ऊपर देसी घी लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हरे धनिया के पराठे बनकर तैयार हैं और पराठों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पराठे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, पराठे को हमने एक मुट्ठी में बंद कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हरे धनिया के हरे हरे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं और पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो आप भी ऐसे पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद फ्रेंड्स।